हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जैसे सुबह का टाइम है, जैसे सभी अभी खाना ये सब बन गया है, नहा धो के मैंने पूजा ये सब भी कर लिए हैं और उसके बाद अभी लगभग 11 बज रहे हैं। तो आज थोड़ा लेट भी हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो बस अभी वही खाना निकाल रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, खाना तो मैं बहुत पहले रेडी कर दी थी, तो बस अभी आज बना है दाल चावल और ज़्यादा कुछ बनाई भी नहीं हूँ। ये अरबी का पत्ता का पकोड़ा पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो यही है बस। अब आपसे मिलती हूँ खाना खा लेने के बाद। सो देखिए, अभी आ गई हूँ मैं छत पर और गेहूं का आटा ख़त्म होने को है, तो वही साफ़ किया हुआ था, लेकिन जैसे गेहूं धोया हुआ है और धोने के बाद सूखा के रखा हुआ है कि बरसात का मौसम है ना, तो कभी भी बारिश हो जाती है फिर सूखता नहीं है, इसी वजह से अब जब पिसाना है तो इसको धूप लगा के हल्का, अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना धूप के भी ऐसे पिसा जाता है, लेकिन थोड़ा मोटा रह जाता है गेहूं का आटा होता है ना, वो अच्छे से बारीक नहीं हो पाता जब गेहूँ सूखता नहीं है अच्छे से। तो वही अभी एक बार उसको साफ़ भी करना है, धुला हुआ है लेकिन उसको फटकना है। तो बहुत तेज़ धूप है, धूप ऐसे देखने में लगता नहीं था कि धूप है, लेकिन जब मैं छत पे आई तब पता लग रहा था काफ़ी तेज़ धूप है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा त्रिपाल टाइप से प्लास्टिक सीट मैंने बिछा दिए हैं और इसी पर अभी मैं गेहूँ डाल दे रही हूँ। और ये आप लोग देखना प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखना। तो अभी देखिए इतनी, मतलब अभी मैंने चप्पल खोल दिए हुए थे क्योंकि ऊपर गई थी मैं ऐसे, तो चप्पल देख सकते हैं किनारों में रखा हुआ है और मैं गेहूँ फैला रही हूँ और पैर तो ऐसा लग रहा था इतना जल जल जाएगा पैर, तो हालत ख़राब हो रहा था। काफ़ी तेज़ धूप थी और पता है धूप था भी नहीं, फिर भी ऐसा बहुत गर्म था वो सब छत जो है ना ये सब। तो अभी जल्दी से मैं चप्पल पहन ले रही क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो इतना थोड़ा सा रह गया था लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो देखिए अभी मैंने सबको अच्छे से फैला दिए हैं गेहूँ को और बोरा ये सभी समेट के रख देती हूँ, क्योंकि देख ही सकते हैं थोड़ी बहुत पत्ते हिल रहे हैं, हवाएं चल रही है तो उड़ने का डर रहता है, तो वही लेते आई हूँ इसको। और देखिए बस 5 मिनट का काम था वो, और कितनी पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, बिल्कुल भींग ही चुकी हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी लगी। और अब थोड़ा सा मेरा पसीना देख सकते हैं कि मतलब गर्मी कितनी ज़्यादा होगी, तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ तब फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी आ गई हूँ, जस्ट शाम का टाइम हो गया है, तो अभी पानी आ रहा था तो नल जल योजना वाला होता है ना वही पानी आ रहा था, तो वही मैंने लेके आई हूँ और सोचा बर्तन धो लेती हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा शाम भी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे आज देखा ही ना मैंने गेहूँ रखे हैं सूखने को तो वो साफ़ करने हैं, तो पहले ये सब बर्तन ये सब धुल लेती हूँ फिर चलेंगे, आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अच्छा लगेगा कैसे गेहूँ ये सब को साफ़ किया जाता है वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस ये जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, तो जो बर्तन है उन सबको कुकर कढ़ाई ये सब जो देखा ही था आपने, मैंने चावल दाल ये सब बनाए थे तो वही सब बर्तन है और एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है, खाने का 2 थाली है। तो देखिए अभी 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी सी हल्की मौसम ठंडी हुई तब जाके आई मैं अभी छत पे और हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो सोचा अभी कर लेती हूँ काम। ये जो देखिए ये गेहूँ ढेर सारा रखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से हमारे गांव में ऐसे सभी जगह गेहूँ ऐसे ही साफ़ किए जाते हैं,
ये जो फटकने वाला है ना, इसको सूप कहते हैं हमारे इधर। तो बस इस तरीके से इसको फटका जाता है गेहूं को, जो भी गेहूं से भूसा ये सब होते हैं ना, जो चुनने चुन के और निकाल दिया जाता है इसमें। तो इसी तरीके से होता है काम, और मैं तो करती नहीं हूँ लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। तो जो मुझे डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है आँखों में, मुझे आज फिर गेहूँ मतलब जिस दिन मैं साफ़ करती हूँ ना इस तरीके से, तो मुझे आँखों में हल्का सूजन सा हो जाता है। तो पता नहीं आज भी हो रहे, मतलब खुजली सा हो जाता है ना, खुजली, आँखों में इचिंग होने लगता है, और उसी के बाद ये सूजन हो जाता है, फिर हल्का सा फूल जाता है किनारों से, कभी कभी लाली भी हो जाती है, यही सब दिक्कत हो जाता है। डस्ट काफ़ी नुकसानदायक होता है ना। तो इस तरीके से अभी पूरे गेहूं को साफ़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे गेहूं साफ़ कर लिए हैं, बोरे में देख सकते हैं भर के, आधा आधी बोरी हो गई है। और अब लास्ट है, तो लास्ट में थोड़ा परेशानी हो जाता है इसको उठाना, और फिर जो भी है ये सीट है प्लास्टिक सीट, उसको भी अब मोड़ के रख देती हूँ क्योंकि फैला रहेगा, काफ़ी बड़ा है तो इसको जल्दी फोल्ड करने में बनता भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इसको, जिसमें आधा ये फोल्ड है, ये बहुत बड़ा सा सीट है, लेकिन इसको फोल्ड करके ही मैंने डाले हुए थे, फिर भी मतलब काफ़ी बड़ा ही था। तो बस लास्ट बार में जो बचा हुआ है अभी, उसको भी साफ़ करना है। एक सूप में मैंने थोड़े से रखे हुए हैं, तो लास्ट वाला जो होता है ना, उसमें काफ़ी गंदा निकल जाता है, निकलता है, गंदगी ज़्यादा रहती है लास्ट में। तो बस ये है, सभी को मैंने कर लिए हैं, अब मेरा एक बड़ा सा काम ख़त्म हो गया है। तो 1 घंटा लग गया है इसको साफ़ करने में, तो अब सबको समेटना है। तो चलिए अब सबको समेटते हैं। तो काफ़ी भारी हो गया है, आधी बोरा है तो भारी तो हो ही जाता है। तो इसको रूम में रख देती हूँ, कल फिर से इसको धूप में डालना है, क्योंकि आज धूप में बहुत ज़्यादा रहा नहीं, तो कल धूप लगा दूँगी, उसके बाद ये पिसने को जाएगा। तो ये देखिए मेरे यहाँ जेड प्लांट छोटे से डब्बे में मैंने लगाए हुए हैं। हाँ, तो बस आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा चेहरा ये सब धो लेती हूँ क्योंकि बहुत डस्ट उड़ा था ना आँखों ये सब में। अभी मैं थोड़ा छीरा पानी डाल देती हूँ आँखों ये सब में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गेहूँ धोने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अभी रात हो गया है, आज काफ़ी लेट हो गया था, मैंने गेहूँ साफ करके और फिर थोड़ी देर लेट गई थी, मैं थक गई थी तो लेट हो गया आज खाना बनाने में। तो अभी आई हूँ मैं किचन में, और हाँ, सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सब्ज़ी काटी है इधर, लौकी काट के रखी हुई है, लौकी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। तो मैं तो खाऊँगी नहीं क्योंकि मैं शाम में चावल थोड़ा रह गया था तो वही मैं खा ली थी, तो मेरा पेट भर गया है तो मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन मैं बना देती हूँ फिर भी। सब्ज़ी बना रही हूँ, बताया मैंने लौकी की। तो बस तेल गरम की, उसमें थोड़ा मैंने मिर्च और जीरा प्याज डाल के इसको भून लिया है, और इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और मसाले डाल के नहीं बनाऊंगी, बस हल्का सा प्लेन वाला बनाऊंगी, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं। शाम में खाना वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ मैं सिंपल में ही बनाऊँ, तो ज़्यादा हेल्दी, मतलब हेल्दी खाना हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। एक टाइम खा लो अच्छे से बना के, लेकिन दूसरे टाइम थोड़ा शरीर को, पेट को रेस्ट भी मिलना ज़रूरी होता है। तो बस अभी से कुछ नहीं करना इसमें, अब ना डालूँगी बस नमक, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी जो बनाते हैं ना, हल्दी नमक डाल के भी बनाते हैं, काफ़ी अच्छा बनता है सिंपल में। तो अभी इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, और बस उसके बाद तो ऐसा कुछ करना नहीं है इसमें। तो इसको मैं थोड़ा सा आटा भी निकाल लेती हूँ आटा गूंदने के लिए। तो वह सब्ज़ी को जब ढक दूँगी ना भून करके, उसके बाद आटा गूंदने लगूँगी, क्योंकि लौकी को पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुकर में तो जल्दी बन जाता है लेकिन कढ़ाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आटा गूंद लिया है मैंने यहाँ पे, आटा गूंद करके रख दिया है, और अब चलते हैं रोटी बनाने के लिए, सब्ज़ी तो अभी हुई नहीं है, तो सब्ज़ी तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा लगभग, तो सोचा चलो रोटी ही बना लेते हैं तो ठीक रहेगा। गर्मी, वैसे गर्मी है ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक मौसम है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है मौसम आज। सो दोस्तों, अगर मेरी जो मेहनत है वो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़
इस तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।